लॉकडाउन की वजह से हम सबका बहुत नुकसान हो गया है। बहुत से लोगों की जॉब्स चली गई हैं, 5 करोड़ लोगों की जॉब्स गई हैं इंडिया में। आप खुद सोचो कितना नुकसान हुआ है लोगों का। एंड बहुत से लोग घर पे फ्री बैठे हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो घर पे फ्री बैठे हैं एंड जो पैसों के लिए बहुत तरस रहे हैं, मतलब उनको पैसों की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड आपका कोई भी फ्रेंड या कोई भी होगा जिसको काम की ज़रूरत है, उसको ये वीडियो शेयर कर देना या उसको बता देना, सो दैट उसकी हेल्प हो जाए। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो यार, अगर तो आप जॉब्स की तरफ जाना चाहते हो, आपका जॉब्स की तरफ इंटरेस्ट है एंड तो मैं आपको कंपनीज बताता हूँ जो वर्क फ्रॉम होम ऑफर कर रही हैं एंड अच्छा पैकेज ऑफर कर रही हैं। तो पहली है बायजूस एंड उसके बाद आती है लीडोस एंड उसके बाद एक दो कंपनीज और हैं, एडटेक की कंपनीज हैं, जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज की कंपनीज हैं, जो बिकॉज वो वर्क फ्रॉम होम अभी प्रोवाइड कर रही हैं एंड जो बायजूस है वो पैकेज बहुत अच्छा देती है, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा, उस पर लिंक क्लिक करके आप फॉर्म फिल कर देना एंड वो आपको कॉल कर लेंगे एंड आपके एक दो इंटरव्यूज होते हैं, उसके बाद आपको रिक्रूट कर लेते हैं, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल प्रोसीजर नहीं है, ईजिली रिक्रूट कर लेते हैं बिकॉज सेल्स डिपार्टमेंट की जॉब होती है वो, तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी जॉब के लिए। तो बेसिकली उसमें थोड़ा आपको चाहिए होता है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो एंड आपने ग्रेजुएशन की हो, ये उनकी रिक्वायरमेंट होती है बेसिक। तो मेक श्योर आप ग्रेजुएट हो उसके लिए, या अभी आपकी अगर 2000 मतलब इस साल में आपकी अगर ग्रेजुएशन पूरी होनी है तो भी कोई चक्कर नहीं, वो मान जाते हैं आप उनको, मतलब ग्रेजुएशन सबकी नेक्स्ट मंथ या उससे बाद पूरी हो ही जानी है, तो वो इस चीज़ में एडजस्ट कर लेते हैं। तो आप अप्लाई कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा एंड आपको आराम से उस जॉब में से 25,000 से 30,000 पहले 2 मंथ मिल जाएंगे। उसके बाद पैकेज 7 लाख प्लस 3 लाख इंसेंटिव हो जाता है, तो बहुत अच्छा पैकेज प्रोवाइड करते हैं वो। आप लीडोस का भी, मैं सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप लिंक से अप्लाई कर देना। एंड उसके बाद आती है कि अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग का चक्कर क्या है, अगर आपको वो स्किल नहीं आती, मान लो आपने कॉपी राइटिंग में जाना है, तो आपको कॉपी राइटिंग पहले सीखनी पड़ेगी एंड आज की डेट में अगर आपने कोई भी स्किल सीखनी है ना, तो यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा है। आप बस सीखने वाला मन बनाओ, तो यूट्यूब पर सब कुछ पढ़ा है। आप अपनी प्रैक्टिस से एक बार बेसिक सीख जाओ, उसके बाद प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से आप सीखोगे एंड धीरे धीरे आपको अच्छा काम मिलने लग जाएगा। एंड बहुत से लोग हैं जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट से डेली $1,000s कमा रहे हैं एंड आप भी उन चीज़ों से कमा सकते हो। एंड फ्रीलांसिंग जो वेबसाइट्स हैं वो है फाइवर एंड अपवर्क एंड ऐसी बहुत और वेबसाइट्स हैं जिनको आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स। हर एक मतलब कॉपी राइटिंग की पर्टिकुलर वेबसाइट आ जाती है, बट ये जो फाइवर एंड अपवर्क हैं इनमें सारा कुछ कंप्लीट है। एनिमेशन, जिसको एनिमेशन आती है वो उसमें जा सकता है, जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, लोगो डिज़ाइन कर सकते हो आप लोगों के लिए, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, किसी के लिए डाटा एंट्री कर सकते हो, किसी की यूट्यूब वीडियो पे सबटाइटल्स ऐड कर सकते हो, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोगों के पास टाइम नहीं है एंड वो थोड़े पैसे दे के काम करवाते हैं ऑनलाइन लोगों से। आप इन वेबसाइट्स पे जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एंड उसके बाद आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आप लोगों को देखो, लोगों ने अपनी प्रोफाइल कैसे बनाई हुई है, उनके अकॉर्डिंग ही अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करो, बिकॉज जो क्लाइंट आपको देख रहा है, जो बंदा आपको काम देगा, उसको लगना चाहिए कि जो पर्सन है वो ऑथेंटिक एंड इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, बिकॉज वो अपना टाइम और पैसा आपको देगा, तो आप उसको अच्छा काम करके दोगे एंड अपने काम की जो आप प्रैक्टिस करोगे ना, काम प्रैक्टिस करो एंड अपना काम जब आप गिग अपलोड करोगे ना, जो आप अपना काम अपलोड करोगे, तो उसको साथ में अपलोड करना, जब आप अपनी रिक्वेस्ट डालोगे उस पर, अपना मतलब जॉब प्रोफाइल डालोगे, तो आप उस पर अपलोड ज़रूर करना आपका जो वर्क होगा, जो आपने प्रैक्टिस की होगी या आपको किसी चीज़ का अगर एक्सपीरियंस है, आप उसमें मतलब बहुत सारी स्किल्स हैं, आप इन साइट्स पर जाके देख सकते हो, लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा, तो आप इन चीज़ों को सीख सकते हो। उसके बाद आता है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो, डिजिटल मार्केटिंग बहुत इमर्जिंग है आज की डेट में, तो अगर तो आप डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हो तो आप उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज अभी स्मॉल बिजनेस जो है वो बहुत डाउन चले गए, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इन पर्सन, जो बंदे आपको लोकली जानते हैं। आप पहले सीखो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब कैसे करते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, आप कैसे उनके स्मॉल बिजनेस को ऑनलाइन ग्रो कर सकते हो, कैसे उनके बिजनेस में लीड्स लेके आ सकते हो। उनके बिजनेस को ग्रो करने का मतलब नहीं कि उनके इंस्टाग्राम पे ज़्यादा लाइक्स आ जाएं, उनके बिजनेस को ग्रो करने का मतलब ये कि अगर वो आपको 20-25 हज़ार दे रहे हैं,
तो आप उनको 1,80,000 मतलब 1,80,000 रुपए का बिजनेस निकाल के भी दे रहे हो, मतलब उनका बिजनेस ग्रो करके दे रहे हो, उनको रिजल्ट्स दे रहे हो, ये चीज मैटर करती है ज्यादा, तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे। एंड आपका अगर मार्केट में एक बार नाम बन गया तो इस फील्ड की लिमिट नहीं है कोई, आप उसके बाद अपनी कंपनी खोल सकते हो अपना, और उसको जितना एक्सपैंड करना आप उसको उतना एक्सपैंड कर सकते हो। आजकल तो छोटी से छोटी चीज हम डिजिटली सेल कर सकते हैं, बंदे को टेक्निक आनी चाहिए, बंदे को तरीका आना चाहिए बेचने का। उसके बाद आता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी चीज है, आप इसको ऑनलाइन सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, कोई कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स बाय मत करो, ऑनलाइन यूट्यूब पे सब कुछ पढ़ा है। बस यूट्यूब पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट आपको बंदों से सीखना पड़ता है, कोर्स में क्या आपको कंपाइल्ड मिल जाता है, ये फायदा होता है कोर्सेज का। एंड कोर्सेज भी आजकल आप गारंटेड नहीं कह सकते कि, मैं नहीं कह सकता भी किसका कोर्स ज्यादा अच्छा है, ये चीज मैं जज नहीं कर सकता, मेरे को नहीं पता किसका कोर्स ज्यादा अच्छा है। आप इसलिए यूट्यूब से अलग अलग चीजें सर्च करो। एंड अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, है ना, एफिलिएट मार्केटिंग सीखो। एंड अगर आपके पास यूट्यूब एड्स पेड मार्केटिंग के लिए इन्वेस्टमेंट है तो आप पेड मार्केटिंग सीखो, गूगल एड्स कैसे रन करते हैं, फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं, वो सीखो, उनमें पैसा डालो। एंड जब आप वो रन करोगे तो आपको सेल्स आएंगी ही आएंगी। एंड अगर आप अच्छे से मतलब प्रॉपर गूगल एड्स आप अच्छे से सीख के, एंड ये सारी चीज़ें करनी है, ये सारी चीज़ें आपको सीख के करनी है, पहले सीखो फिर इम्प्लीमेंट करो, लॉन्ग टर्म के लिए करो, ये नहीं कि लॉकडाउन है तो मैंने थोड़े टाइम के लिए करना है। लॉकडाउन है थोड़े टाइम के लिए आप जॉब की तरफ जा सकते हो जो मैंने आपको बताई, बिकॉज उससे क्या होगा, उसके जो सैलरी आएगी आप उसको सेव कर सकते हो, 50% उसको खर्च दो, 50% सेव करो, उसके बाद जो भी आपने आगे काम करना है उसके लिए एज अ फ्यूल काम करेगा वो पैसा, वो चीज़ आपको खुद डिसाइड करनी है कि आपको क्या करना है ना। अगर आप मतलब फ्री बैठने से तो अच्छा है कि आप जॉब ही कर लो ना, ये चीज़ मैंने इसीलिए जॉब का बताया, बिकॉज फ्री बैठना इज नॉट वर्थ इट। या आप घर बैठे एटलीस्ट कोई ना कोई स्किल तो सीखते रहो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग होगी, कोई फ्रीलांसिंग होगी, ये स्किल सीखते रहोगे तो आपकी खुद ग्रोथ होती है, बंदा कुछ ना कुछ तो सीखता ही है इनमें से, है ना। उसके बाद आता है कि आप अपना YouTube चैनल बना सकते हो, बट YouTube चैनल में क्या है, पता नहीं आपको कब ग्रोथ होगी, इंस्टेंट ग्रोथ तो आप YouTube चैनल में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत रेयर होती है, आपको YouTube से बूस्ट मिल जाए बहुत रेयर होती है, बिकॉज जो भी नया यूट्यूबर होता है उसके पास सेटअप नहीं होता ना, तो हर बंदे को सेटअप करना पड़ता है अपना विद टाइम, हर एक बंदा पैसे खर्च के सेटअप करता है, जब उसको पैसे आने लग जाते हैं या जिनके पास ऑलरेडी होते हैं वो सेटअप बना के सेटअप करते हैं एंड सारा प्रोफेशनली वीडियोस बनानी शुरू करते हैं। एंड यूट्यूब की एक बात है कि आप विद टाइम इम्प्रूव करते हो, कोई भी काम है आप विद टाइम इम्प्रूव करते हो, इंस्टेंट इम्प्रूव आप किसी में नहीं करते। आप सोचो कि मैंने आज वीडियोज़ बनाई मेरी आज हिट हो जाएंगी, मैंने आज ये काम शुरू किया मेरा आज सक्सेसफुल हो जाऊंगा, ऐसे नहीं होता। आपको हर चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, हर चीज़ को सीखो, उसके बाद ही आपकी उस चीज़ में ग्रोथ होगी। एंड अब बात आती है नेटवर्क मार्केटिंग की, वर्क फ्रॉम होम नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करें। नेटवर्क मार्केटिंग मैं भी कर रहा हूँ, रेनेटस वेलनेस में कर रहा हूँ, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप किसी और कंपनी में कर रहे होगे या आपने सुना होगा कोई कर रहा है, तो आप अगर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली इस फील्ड को ज्वाइन करो, बिकॉज इस लाइन में पोटेंशियल बहुत है। लोगों को लगता है कि लोगों से बात करनी पड़ती है, बट मेरे को एक बात बताओ कि किस लाइन में आपको बात नहीं करनी पड़ती। आप किसी के लिए जॉब कर रहे हो, अगर वो आपको 40,000 सैलरी दे रहा है ना, तो आपको वो दिन में 10 घंटे पूरा निचोड़ता है, पूरा काम निकलवाता है वो, बट आप काम करके देते हो उनको, बिकॉज आपको पता है आपको सैलरी तभी मिलेगी। एंड आप उनको काम करके देते हो तो ग्रोथ किसकी होती है, आपकी तो 40,000, आपको 2,000 इंसेंटिव दे देंगे, दैट्स इट, ग्रोथ उनकी होती है। आप उनको 50,000 की एक सेल निकाल के देते हो तो आपको सैलरी कितनी मिल रही है, 40,000, वो कितना कमा रहे हैं, ये चीज़ हम नहीं सोचते। जब हम जॉब करते हैं तो हम किसी का काम ग्रो करवा रहे हैं, अपना नहीं। इसीलिए अपने बारे में सोचो कि आप खुद कैसे ग्रो कर सकते हो। एंड पहली बात की छोटा मत सोचो, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो। आपकी अगर कम्युनिकेशन अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप स्पीकिंग में अच्छे हो, एंड आप सीख के कर रहे हो ना कोई चीज़, तो आपको कोई नहीं रोक सकता इस चीज़ में। एंड डिजिटली आप इसको इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक से कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आजकल बहुत से लोगों की जॉब चले गई हैं एंड लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आपके ऊपर है, आपने लोगों को कैसे अपने साथ जोड़ना है। एंड ये चीज़ें थी, आप इन चीज़ों को देख सकते हो। एंड और भी मेरे माइंड में अगर कोई चीज़ें आए हैं ना, जैसे मेनली तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपने मतलब इन चीज़ों को अगर आप फोकस कर लो ना आज के टाइम में, तो ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना, एंड अपने सारे उन फ्रेंड्स या दोस्त या जो भी जिनकी जॉब गई है या जो भी घर पे फ्री बैठे हैं उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, सो दैट उनकी हेल्प हो जाए, उनको आइडिया हो जाए कि उनको अभी करना क्या चाहिए। एंड एक और बात, जिन लोगों की इंग्लिश नहीं अच्छी है ना, जो अभी ग्रेजुएशन के एंड पे हैं, जिनकी इंग्लिश नहीं अच्छी, अपनी इंग्लिश पे काम कर लो, है ना, बिकॉज आप कहीं भी जॉब करने जाओगे, आजकल गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो बहुत कम है, तो आप कहीं भी काम करने जाओगे आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज हमारा कल्चर ऐसे है अभी जब भी जॉब का इंटरव्यू लेंगे ना तब तो आपसे इंग्लिश में ही लेंगे इंटरव्यू, तो आप अगर इंटरव्यू में नहीं आप कॉन्फिडेंट हो गए, आप इंग्लिश नहीं अच्छे से बोल पाओगे तो आप सेलेक्ट कैसे हो गए। आपको अगर जॉब में ही जाना है तो आपको ये चीज़ का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इंग्लिश सीखो, वो तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी है, आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट होगी। तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एज मच एज पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके, एंड माफ़ करना अगर मैंने कुछ ऊंचा नहीं हुआ या गलत बोल दिया हो तो माफ़ कर देना। सो अगर कुछ और आपके दिमाग में आइडिया है या कुछ भी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना, जो मेरे को भी नहीं पता ना, मैं भी सीख लूँ, तो ज़रूर मेरे को बता देना, सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम। तो वीडियो को शेयर कर देना एंड थैंक यू सो मच।